वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, अज आप दर्शन करांगे दशमेश पिता की चरणछोह धरती दयालपुरा, जिस जगह गुरु साहब जी ने ढाब के किनारे बैठ के जफरनामा लिखा सीगा, जो कि औरंगजेब नूं गया सीगा। इस जगह पातशाही छेवीं और दसवीं दोहां दे मुबारक चरण पए हुए हैं। तो इस जगह पहुँचने वास्ते अगर आप दिल्ली तो चलते हाँ 324 किलोमीटर है जी, तो अगर आप अमृतसर तो आने हाँ तो 241 मीटर, तो जे आप लुधियाने तो आने हाँ तो 140 किलोमीटर है जी। आओ मेरे नाल तुसीं भी करो दर्शन, नाल इतिहास तो जाणू होवो। वाहिगुरु। दशमेश पिता गुरु महाराज दी साजी नो जी, साध संग जीओ, गज के फतेह बुलाओ, दो प्यार दा सबूत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संग जी, आप छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पहला आप भाई रूपे दे दर्शन किए, जिथे गुरु साहब ने अपने मुबारक चरण पाए, तो महाराज की जंग भी लड़ी। फिर आप कांगड़ साहब विखे उत्थे भी गुरु साहब दे चरणा की छोह धरती के दर्शन किए। अज आप पहुँचे हाँ पिंड दयालपुरा, यह तहसील रामपुरा फूला जिला बठिंडा। इस जगह गुरु महाराज के चरणा की छोह प्राप्त है, तो बहुत ही सुंदर गुरुद्वारे की इमारत बनी हुई, जो कि उन्होंने याद को ताज़ा करती है। तो आओ आप गुरद्वारा साहब के दर्शन करते करते आप इतिहास तो भी जाणू हुंदे आ। आपां इतिहास तो जाणू बाबा लाभ सिंह जी करवाउणगे। बाबा लाभ सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत दे नाल इतिहास दी सांझ पाओ। खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का विशेष करके ट्रैवल टीम का, ट्रैवल संघ टीम का, इन्हों का सारे का धन्यवाद जी। ये मुबारक स्थान छेवें पातशाह दल भंजन गुरसूरमा बड़जोधा बहु परोपकारी सतगुरु हरगोबिंद साहब जी दे पावन पवित्र चरण कमलों नाल सुशोभित है। सो 1631 ईस्वी 1688 संमत नूं इस स्थान ते उदों दे इस इलाके दे मालक राय जोध सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं बेनती करके लै आए सन। इस स्थान ते 8 महीने सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने चरण पा के स्थान नूं पवित्र कीता। जो संगतां तो लाहौर हुकूमत वालों घोड़े खोए गए सन, वो घोड़ियां दी लियाउण दी ड्यूटी इत्थों बाबा विधि चंद जी दी सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने लाई।
पहला घोड़ा जिहड़ा सी उह काही बन के लैके आए, दूसरा घोड़ा ज्योतिषी बन के अपनी जुगत नाल बाबा विधी चंद जी ने लिया के सतगुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में हाजिर किया। उस तो बाद इस स्थान तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने जंग की तैयारी की। इत्थे सतगुरु जी ने अपनी सिख सेना नू शस्त्र वरताए अते 1000 फौजी सरदार राय जोधा वह भी सतगुरां दी सिख सेना दे नाल शामिल होया। तो इत्थों जाके महाराज का जंग लड़िया गया जिदे विच 35,000 मुगलों की फौज मारी गई, 1273 सिख शहीद हो गए अते जिहड़े जख्मी होए सन उन्हां दी मलम पट्टी करके इत्थों महाराज सच्चे पातशाह जी ने उन्हां नूं विदा किया। दुश्मन की फौज के फौजी भी जख्मी होए सन उन्हां दी भी मलम पट्टी करा के इलाज करा के सतगुरु जी ने निर्वैरता दिखाते हुए उन्हां दी भी मलम पट्टी करा के ते उन्हां नूं भी इत्थों विदा किया है। तो इस जंग दी विच जंग दी सेवा विच सरदार राय जोध की सेवा तो खुश हो के उन्हां नूं एक कटार साहब सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने बख्शिश की जो हुण भी उन्हां दे घर कांगड़ विखे सत्कार दे नाल रखी हुई है। तो वह कटार साहब जी वह सारा खानदान पूजा करता है। तो इस स्थान नूं 8.5 महीने सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने चरण पा के पवित्र किया है। ये सतगुरु हरगोबिंद साहब जी के पावन चरणों नाल पवित्र स्थान जिस स्थान पर बाबा विधी चंद जी नूं 5 बार 6वें पातशाह जी ने बख्शिश किए कि गुरु नानक साहब जी तुहाडे अंग संग सहायक होणगे, दूसरा बार जो चाहोगे उही होवेगा, तीसरा बार विधी चंद छीना गुरु का सीना प्रेम भगत लीना कमी कदे नाहीं, वो बार भी इत्थे बख्शिश किया। और सतगुरां ने 5वां बार बख्शिश किया कि इस इतिहास की कथा जिहड़ा पढ़ेगा सुनेगा सुनावेगा उन्हूं सिक्खी की दात प्राप्त होवेगी ते उहदे कार जरास होणगे। 2023 तो दास इत्थे बाबा भोला सिंह जी दे नाल संगतां नूं शामिल करके इस स्थान की सेवा संभाल कर रहा है। ये स्थान की सेवा संभाल जथेदार बाबा जोगिंदर सिंह जी की अगवाई विच रकबे वाले बाबयां दी अगवाई दे विच उन्हां दी अगवाई विच इस स्थान की सेवा संभाल हो रही है। गुरमत विद्यालय जिहदे विच बच्चों नूं गुरबाणी की संथ्या संगीत की कीर्तन की संथ्या शस्त्र विद्या की सिक्ख्या दे के बच्चों गुरसिखी की सेवा की जा रही है। सो सारिया संगतां दे सहयोग के नाल इत्थों दे अस्थान ते इतिहासक दिहाड़े जिहड़े है मस्या का दिहाड़ा आए महीने मनाया जाता, अमृतपान भी संगत नूं कराया जाता है। सालाना जिहड़े जोड़ मेले हैं गुरु नानक देव जी का गुरपुरब, दसम पातशाह जी का गुरपुरब, मीरी पीरी दे मालक 6वें पातशाह जी का गुरपुरब, नगर कीर्तन करके संगतां दे सहयोग दे नाल इस इतिहासक दिहाड़े मनाए जाते हैं जी। सारिया संगतां दा अते इस टीम दा इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत दास वल्लों तहे दिलों धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की जो प्रभु जी मन पाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारिया संगतां दे धन्नवादी हाँ जिन्हां ने स्थान साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस स्थान नूं अपने चरण पा के पवित्र किया। इस स्थान ते जो बाबा विधी चंद जी दोवें घोड़े लैके हाजिर होए, जो सेठ करोड़ी मल ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी की प्रेम भेटा वास्ते लैके आए सन, वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे इस स्थान ते लिया के भेटा कीते। जो जंड दे किले सतगुरां ने वढ करके इत्थे गड्ढे वो अज मौजूद आ। अज उन्हां किल्यां ने दरख्त का सरूप धारण किया होया है। जिस जंड दे किल्यां दे नाल घोड़ा दलवाग ते गुलवाग दोनों जाने बन्ने गाड़ा पछाड़ा ला के
सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज, गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, पंज प्याले पंच पीर छठ अंपीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी, दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परपकारी, पुछण सिख अरदास कर छे महलां तक दर्श निहारे, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारे, कलयुग पीढ़ी सोडियां नेचल नीम असार खुलारे, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। करे जावे धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नू भावे, श्री अकाल गुरवरी अकाल देखते फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोई नाम न जाने मेरा तुझे आगे अरदास हमारी, तुझे आगे तुझे आगे तुझे आगे अरदास हमारी।